बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिन्होंने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। उन्होंने 500 फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से फिल्मी दुनिया में जगह बनाई। उन्हें भोजपुरी सिनेमा का जनक तक कहा गया। हालांकि इतना कुछ हासिल करने के बाद इस एक्टर को न तो उनके टैलेंट की सराहना मिली और न ही उन्हें कोई सम्मान दिया गया। दरअसल हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है नज़ीर, जिन्होंने सबसे पहले भोजपुरी सिनेमा की संभावनाओं पर राष्ट्रपति से चर्चा की थी। आपको इस जाबाज एक्टर की पूरी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिल्मों में धर्मेंद्र के ससुर और हेमा मालिनी के पिता का किरदार निभाकर मशहूर हुए नज़ीर हुसैन आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। बेशक आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किरदारों को आज तक फैंस भूले नहीं हैं। नज़ीर हुसैन ने देवानंद, अशोक कुमार, गुरुदत्त, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और गोविंदा जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया। मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, आशा पारेख, मुमताज, हेमा मालिनी और रेखा उनकी ऑन स्क्रीन बेटियां बनकर मशहूर हुईं। 1950 से 1970 तक नज़ीर ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने परिणीता, जीवन ज्योति, मुसाफिर, अनुराधा, साहिब बीवी और गुलाम, नया दौर, कटी पतंग, कश्मीर की कली जैसी कई हिट फिल्में दी। एक्टर होने के साथ ही साथ वो बेहद ही होनहार स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर थे। वे फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। नज़ीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के उसिया गांव में हुआ था। उनके पिता शाहबाज खान भारतीय रेलवे में गार्ड हुआ करते थे। खबरों की माने तो एक्टर बनने से पहले नज़ीर रेलवे में फायरमैन की नौकरी करते थे, फिर वे ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। इसी दौरान जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आर्मी ने उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया। कुछ समय तक नज़ीर मलेशिया और सिंगापुर में तैनात रहे। हालात खराब होने पर उन्हें युद्ध के दौरान पकड़ लिया गया और मलेशिया की एक जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें रिहा किया गया और भारत भेज दिया गया। इसके बाद वे थिएटर से जुड़ गए। इस तरह कोलकाता में नज़ीर हुसैन की मुलाकात निर्देशक बिमल रॉय से हुई और वे उनके सहायक बन गए। बिमल रॉय ने ही उन्हें सिनेमा से परिचित कराया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नज़ीर हुसैन ने बिमल रॉय के साथ मिलकर पहला आदमी नाम की फिल्म बनाई थी। यह फिल्म आजाद हिंद फौज के अनुभव पर आधारित थी। यह फिल्म 1950 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही हिट हो गई थी। इस फिल्म के बाद नज़ीर हुसैन बिमल रॉय की लगभग हर फिल्म का हिस्सा बन गए। खबरों की माने तो नज़ीर हुसैन को भोजपुरी का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भोजपुरी सिनेमा की संभावनाओं पर चर्चा की थी। नज़ीर ने पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तुहे प्यारी चढ़ी वो बनाई थी, जो साल 1963 में रिलीज हुई थी। उन्हें आज भी 1970 के दशक की हिट भोजपुरी फिल्म बलम परदेसिया के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नज़ीर हुसैन को कभी कोई सम्मान या पुरस्कार नहीं दिया गया। आपको बॉलीवुड का यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।